दसवीं के विद्यार्थियों को अध्याय 3 के आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। जो जो प्रश्न मैंने टिक किया है उन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अध्याय 3 में देखो, ऊष्मा और तापमान दिया हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये आपको अध्याय 3 में ना मिले, इसके अलावा अदर जगह मिल सकता है। तो अगर आप इस प्रश्न को ढूंढना चाहते हो, जो मैंने अभी आपको बताने वाला हूँ, उन प्रश्नों को अगर ढूंढते हो तो आपको ऊष्मा और तापमान वाले टॉपिक पर ही ढूंढना है, मतलब इसी अध्याय में ढूंढना है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न को। देखो यहाँ पे ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि आग की चिंगारी को बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, ऐसा क्यों? ये इसे देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा प्रश्न है? हाँ, ये वाला, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। गैस के गुब्बारा आग के पास लाने से फूट क्यों जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ताप क्या है, इसके बारे में देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद तापमापी में दो स्थिर बिंदु किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर ऊष्मा क्या है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, ऊष्मा के व्यवहारिक और ऐसी मात्रा क्या है, उनमें क्या संबंध होता है, इसको देख लेना है, ठीक है। और इसका उत्तर भी यहाँ पे लगा हुआ है। फिर देखो आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न में क्या दिया है, विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखिए, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा लिखना है, इसका भी उत्तर आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। नौवां प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे दिखाता हूँ, इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला प्रश्न, ठीक है। दसवां प्रश्न, परीक्षा बोर्ड में ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएगा। बर्फ एवं भाप की गुप्त ऊष्मा लिखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना है आपको। किलो कैलोरी की परिभाषा लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखो, 30 से 30 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, बहुत आसान प्रश्न है। फ़ारेनहाइट में बदलना बहुत ही इजी, ठीक है। सूत्र बस आपको याद करना है, उसके बाद आसानी से आप बदल सकते हो। तो देखो ये सूत्र है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को बदलने का, ये सूत्र कभी चेंज नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। सूत्र कभी भी चेंज नहीं होगा, ये जो सूत्र है ना, F-32/9C/5, ये रहेगा ही रहेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, जब सी कहेगा, अगर फ़ारेनहाइट में अगर आप मान निकालोगे तो ये सी का मान दिया है, सी के जगह में रख देना। अगर फ़ारेनहाइट का मान दिया रहेगा और सी का मान निकालो कहेगा, मतलब सेल्सियस का, तो आपको यहाँ पे रख देना है, बाकी पूरा सॉल्यूशन सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस उनके जगह पे मानों को रख देना है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक प्रश्न है फ़ारेनहाइट से संबंधित, ठीक है। 40 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए कह रहे हैं, तो इसमें देखो अब क्या फ़ारेनहाइट है ना, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे हमें रखना है इस बार मान। तो देखो सी का मान जैसा है वैसा रहेगा, यहाँ पे मान रख देंगे, सी अकेला हो जाएगा, इसको इस पार ले आएंगे, तो 5/5 ये 9 हो गया। देखो यहीं पे, यहाँ पे -40 और -32, ये रहा, ठीक है। सॉल्यूशन वही है, सेम टू सेम हल होगा। इसके बाद देखो फिर से आ रहा है फ़ारेनहाइट में बदलिए कह रहा है सेल्सियस को, तो सेम टू सेम सॉल्यूशन है, आपको दिक्कत नहीं होगा इन प्रश्नों को बनाने में, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है। चलो आगे दिखाता हूँ, इसके बाद देखो यहाँ पे एक प्रश्न है, ऊष्मा रोधी पदार्थ क्या है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक मिनट में जूम कर लेता हूँ और, ठीक है। अब देखो ऊष्मा रोधी पदार्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका भी उत्तर लगा हुआ है। फिर ऊष्मी चालक क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और ऊष्मी कुचालक क्या है, ये 2022 में आ चुका है, इसलिए इनके आने की संभावना जीरो है। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को 14 तक के प्रश्न बताए ना, वहां से प्रश्न आएंगे। अब मैं आपको 3 नंबर के प्रश्न दिखा देता हूं, क्योंकि इस अध्याय से 2 नंबर के प्रश्न आएगा और 3 नंबर, तो 2 नंबर का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब 3 नंबर में कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है देखते हैं। देखो 3 नंबर में ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जब दो वस्तुओं को जिनका तापमान एक दूसरे से अलग हो को संपर्क में लगाया जाता है, तब उन दोनों का तापमान समान क्यों हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका उत्तर लगा हुआ है। फिर यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न, जल की महत्व विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी उत्तर लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट चौथा में आ जाते हैं, तीसरा को आपको नहीं देखना है, ठीक है। चौथा क्या दिया है, देखो ताप की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के प्रश्न में। चौथा प्रश्न देखो, अवस्था परिवर्तन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसे देख लेना है आपको।
इसके बाद यहाँ पे है रेल की पटरी वाला, इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर मैं इसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये पहले ये प्रश्न आते थे लेकिन अभी अभी क्या हो गया कि ऐसे प्रश्न पूछना बंद कर दिए हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि रेल की पटरियां बिछाते समय दो पटरियों के मध्य थोड़ी सी जगह क्यों छोड़ दी जाती है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा ठीक है इसका उत्तर। इसके बाद देखो सातवां प्रश्न है, ये आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रश्न दोबारा अभी रिपीट नहीं होगा ठीक है। करेंट ईयर्स में 23 में नहीं होगा, 24 25 में ये आ सकता है। तो देख लो केल्विन पैमाने वाले थर्मामीटर में न्यूनतम व अधिकतम ताप को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट और ये भी इम्पोर्टेंट है ठीक है। इसका उत्तर कहाँ पे मिलेगा, प्रश्न क्रमांक 9 में मिलेगा ठीक है, देख लेना चित्र के साथ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 9 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, ये जो प्रश्न है अक्सर आते रहता है ठीक है। तो फ़ारेनहाइट पैमाना थर्मामीटर न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यही प्रश्न है जिसे यहाँ पे बताया गया। देखो ये पैमाना है ठीक है, अधिकतम अधिकतम तापमान को दर्शा रहा है और नीचे वाला न्यूनतम। तो देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये केल्विन के लिए है, ये सेल्सियस के लिए और ये फ़ारेनहाइट के लिए है ठीक है, तीनों का यहाँ पे बताया गया है ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद और कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये प्रश्न आएगा तो नहीं लेकिन टिक मैंने कर दिया है, ऊष्मा के संचरण के प्रकार के बारे में लिखी है ठीक है, टिक बस किया हूँ, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक हो गया। तो मैंने इसे ना काटा नहीं है ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न यहाँ पे, ये भी प्रश्न वैसे ही, ये भी टिक हो गया है गलती से, इसे भी मैंने काटा नहीं है ठीक है। ये प्रश्न दूसरा ये भी नहीं आएगा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना चाहोगे तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये नहीं आएगा। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, तापमापी में पारा का उपयोग क्यों करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ठीक है, इसे अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला प्रश्न, डाक्टरी तापमापी के बल्ब के ठीक ऊपर केश नली में कुछ संकीर्णन क्यों करते हैं ठीक है, तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये भी आ सकता है, इसको भी याद कर लेना है आपको। इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ऊष्माधारिता पर टिप्पणी लिखिए ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं आते, लगभग बहुत कम आते हैं, फिर भी ऊष्माधारिता पर टिप्पणी लिखिए कह रहा है तो 3 नंबर के लायक है, तो आ सकता है, तो इसलिए इसे टिक कर दिया गया, लेकिन आता नहीं है ऐसा प्रश्न ठीक है, इसको भी आप छोड़ सकते हो। इसके बाद देखो छठवा प्रश्न, छठवा प्रश्न जो जो प्रश्न मैंने छोड़ने के लिए कहा है आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो प्रश्न नहीं के बतौर आएगा ठीक है, आने के चांसेस नहीं है। यहाँ पे देखो मोटे कांच की गिलास में खिलौना दूध या चाय डालने पर वह चटक जाता है ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है और इसका दूसरा टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, दोनों का उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। फिर ये अंतिम प्रश्न है, देख लो ये प्रश्न अंतिम है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 96.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा बताना है, तो वही सूत्र अपना आपको पता होगा ठीक है, यही सूत्र है, इसी सूत्र में जब मान रखोगे तो आ जाएगा आंसर। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आधा हिस्सा यहाँ पे है ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, समझ में आ गया होगा ठीक है। जितना प्रश्न मैंने दिया है ना उन सबको आप लोग टिक करा लेना ठीक है, और इसमें और प्रश्न है लेकिन वो प्रश्न नहीं आएगा इसलिए मैं उसे हटा दिया हूँ ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड, कौन सा है, अध्याय 4 को ठीक है, अध्याय 4 से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं देख लो। अध्याय 4 का नाम, पहले अध्याय 4 का नाम देखो, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इससे तो बहुत कम प्रश्न आते हैं, बहुत कम, तो जितना मैंने टिक किया उतने को आपको देखना है। देखो ये प्रश्न है, मेडलिप की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े गए थे, उनमें रखे गए तत्वों के नाम लिखिए, तो देख जैसे कि यहाँ पे स्कैंडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, ये इसका आंसर है, यहाँ पे इन सभी को नहीं पढ़ना है ठीक है, दूसरा तीसरा छोड़ दो, डायरेक्ट आ जाओ चौथा में, किसी वर्ग में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो इसे आपको पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पांचवा नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट पढ़ना है छठवा, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं क्यों, कोई दो कारण बताइए, ये प्रश्न आपको देखना है ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ, इसके बाद सातवा आपको नहीं देखना है, सातवा क्या, इलेक्ट्रॉन बस सर्वाधिक वाला है ना, तो देखने की जरूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, डायरेक्ट आ जाओ नौवां प्रश्न में, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए ठीक है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इन दोनों का एक ही उत्तर है जिसे आपको देख लेना है।
इसके बाद दिखाता हूं मैं आपको 10वां प्रश्न, वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, इस ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये राइट हो गया तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे 15वां प्रश्न, आयनन ऊर्जा विभव किसे कहते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे 16वां प्रश्न है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और 17वां प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है भाई, इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। ठीक है, किसका किसका पूछा है ध्यान देना, यहाँ पे अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे कह रहे हैं, तो अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है सिर्फ उन्हीं का बताना है। तो यहाँ पे पोटेशियम है और लिथियम है, इन दोनों के बाहरी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो पाया गया है, तो यही दोनों बस है। फिर उपधातु किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए कह रहे हैं, तो ये 2017 और 2022 के सेट में आया है, तो इसके आने की संभावना नहीं के बतौर है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर साल जब भी प्रश्न आता है तो 2 नंबर और 3 नंबर के ऐसे प्रश्न हैं जो कभी भी कोई सन में आया हुआ प्रश्न नहीं उठाते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न आ जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर सन में आए हुए प्रश्नों को नहीं लिया जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को अधिकतर पढ़ना चाहिए 2 नंबर 3 नंबर में जो किसी सन में ना आया हो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे ये वाले प्रश्न, इसको देख लो, यहाँ पे और है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले संबंधित, तो ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। देख लो संयोजकता की गणना कैसे करते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसमें बहुत कम प्रश्न आएगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा को मैंने टिक नहीं किया है। एक ही आवर्त के तत्वों का आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तित होता है, उनका कारण समझाइए कह रहा है। ठीक है, तो इसका आपको उत्तर देखना यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी 2022 के सेट में है, इसलिए इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप छोड़ सकते हो। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला प्रश्न, देखो हेलोजन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्यों होती है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस साल की संभावना यही प्रश्न है 2 नंबर में। फिर यहाँ पे देखो लोथर मेयर के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के आधार क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये प्रश्न आ चुका है 2022 में। ठीक है, तो ये प्रश्न 2022 में आ चुका है और उसका उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसा नहीं करना है कि 2022 में आया तो आपको छोड़ देना है, पढ़ना है, 2022 में आया तो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखो 2017 में आया है ये 15वां प्रश्न, ये प्रश्न अब पहले तो आता था लेकिन बंद हो गया, फिर भी सन में आया तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे 2 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं या 1 नंबर के आ सकता है। ठीक है, 2000 इसके बाद देखो 16वां, यहाँ पे क्या है, 2, 8, 7 क्या पूछा है, इस तत्व की संयोजकता क्या होगी पूछ रहा है ना, इसमें 3 टॉपिक है, दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे, यह किस समूह का तत्व है इसके बारे में बताना। ठीक है, तो ये सब चीज देख लेना है आप लोगों को। फिर आवर्त सारणी में किस आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे दिखाता हूँ, इन सभी का उत्तर लगा हुआ है। फिर इसको देखो, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार परिवर्तित होता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे ये कौन सा है, अक्रिय गैस को एक पृथक समूह रखने पे, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं पढ़ना है, दूसरा को भी नहीं पढ़ना है, जो टिक नहीं पढ़ा है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे नहीं आता है, 4 नंबर के प्रश्न ये आ सकता है, देख लो 4 नंबर के प्रश्न है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 5वां प्रश्न है। ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम पोटेशियम के क्या बताना है, यहाँ पे तत्वों को चुनिए, आकार बड़ा है तो उसका परमाणु का उसका कारण भी लिखे। ठीक है, कारण बताना है सभी का, तो यहाँ पे आप उत्तर देख सकते हो, सभी का कारण लगा हुआ है। ठीक है, आगे दिखो, अब देखो ये वाला प्रश्न, 3 तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 5, 7 एवं 10 बताए कि। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ना, 5वां और 6वां प्रश्न, ये इस साल का मतलब 2022 का सबसे मोस्ट सॉरी 23 का सबसे आईएमपी प्रश्न है, और एक प्रश्न 2024 के लिए आईएमपी है, मतलब ये दोनों प्रश्न 2023 और 24 में आएगा ही आएगा। ठीक है, एक प्रश्न 2023 में आएगा और एक प्रश्न 2024 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रश्न देख लो, ठीक है, इसका उत्तर भी यहाँ पे लगा हुआ है। अब आगे दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये वाला प्रश्न देख सकते हो, ठीक है, क्या पूछा है देख लेना, इसका उत्तर भी यहाँ पे लगा हुआ है सभी का। फिर यहाँ पे देखो 2रा प्रश्न है यहाँ पे दीर्घोत्तरी से, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना है।
फिर डायरेक्ट मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न है, तीसरा को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चौथा में क्या पूछा है देख लो, सर्वजगता के बारे में बताना है, परमाणु आकार, आयनन विभव और विद्युत ऊर्जा, इन तीनों के इन चारों के बारे में पूछा गया है, तो इन चारों के बारे में लिखना है। तो ये दो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दो और बचे हैं, मैं उनको दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, ठीक है, आयनन विभव और विद्युत ऋणता, ये रहा, ठीक है। और देख लो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाला प्रश्न, ये सभी चर्चा नंबर के प्रश्न है, ठीक है। इस अध्याय से आपको सिर्फ 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 अंक के अगर प्रश्न आता है तो बहुत आसान प्रश्न आएगा, इजी, ठीक है। 4 नंबर के प्रश्न में ये सभी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये वाला देख लो, अंतिम प्रश्न है, छठवा, इसका उत्तर भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आवर्त सारणी में धातु अधातुओं के गुणों में परिवर्तन को समझाइए, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको याद करने हैं, और है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं बस इतना ही प्रश्न है। तो मैंने आपको अध्याय 3 और अध्याय 4 से जितना भी IMP प्रश्न बताया ना, उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, वही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएंगे।